सियासी अटकलों के बीच आखिरकार ये तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि भाजपा ने उनका टिकट काट के पहले उन्हें घर भेज दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सर, अटकलों पे विराम लग गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन, समय से पहले मठ में पहुंच गए, पहले ही जाना था, तय था चुनाव तो हारना है, ये विश्वास तो खो ही चुके हैं जनता का, तो मठ में पहुंच गए, अब क्या दिक्कत है आपको? वो तो दम भर रहे हैं कि हम गोरखपुर से चुनाव जीतेंगे। समय आने दीजिए, ये तो गोरखपुर की जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। अभी तो चुनाव बाकी है, 3 मार्च को है, इंतजार करिए। आप क्या समझते हैं, क्या गोरखपुर से भी सफाया पूर्ण रूप से ही है? कि प्रदेश से सफाया तो गोरखपुर तो उसी में आता है ना, लड़ने दीजिए, अभी तो समय है, इंतजार करिए। इतना जल्दी आपको, मतलब आप आज ही चाहते हो मठ में चले जाएं, अब चुनाव बाद जाएंगे मठ में। अच्छा अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में कहीं नहीं है और वो सिर्फ हमें नुकसान कैसे पहुंचाया जाए इसकी तैयारी कर रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं ये तो वो जानते हैं, और पहले कांग्रेस थी कि सपा थी, कौन था पहले, पहले पार्टी कौन थी, कांग्रेस थी कि सपा थी? कांग्रेस ही थी। तो ठीक है, फिर कांग्रेस आ रही है, अब पूर्ण बहुमत में आ रही है, 10 मार्च को इंतजार करिए। अच्छा, 10 मार्च को इंतजार हो जाएगा। पहली सूची जारी हो गई है जिसमें 50 महिलाओं को भागीदारी दी गई है, यानी 40% का जो आरक्षण की बात कही जा रही थी वो साफ तौर पर देखा गया है। अब दूसरी सूचियों में किस तरीके से, क्या रोड मैप तैयार किया गया है प्रत्याशियों को चुनने के लिए? उसमें भी 40% महिलाएं होंगी, और कांग्रेस ने जो कहा वो किया, और हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह लोगों का समर्थन, आशीर्वाद और सहयोग है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो ये थे अजय कुमार लल्लू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, 10 मार्च को ये साबित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होने वाली है। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।